हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर कन खजूरे को किस तरह से भगा सकते हैं। घर की कुछ ही चीज़ों से बनकर ये तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक जग दोस्तों, जिसमें मैं पानी ऐड करूँगी। आप ये रेमेडी आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो, जितनी चाहो क्वांटिटी में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है फ्रेंड्स। तो पानी में मुझे सबसे पहले ऐड करना है नमक। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नमक से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कन खजूरे को। आपने अक्सर देखा होगा कन खजूरे काटते समय तुरंत इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वरना आप नॉर्मल नमक से भी काम चला सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास विनेगर। विनेगर इतना पावरफुल होता है दोस्तों, कन खजूरे पे इतना असर करता है कि आपने देखा दोस्तों, हमने क्या इस्तेमाल किया है, नमक और विनेगर इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर काम करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। और हमारे पास डेटॉल भी है। आपको पता है डेटॉल में काफ़ी केमिकल्स होते हैं, जो आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं कन खजूरे के, वो भी भाग जाएंगे। आपके गार्डन में कन खजूरे घुस जाते हैं, वो सड़ी गली पत्तियां खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना सिंपल और सरल तरीके से ये हमारा नुस्खा जो है घर पर बनकर तैयार हो गया है। कोई भी ऐसा मार्केट से लाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, घर की चीज़ों से फटाफट से बन गया है। आप इसे स्प्रे करके ही इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप पोछा लगा सकते हो। अक्सर आपके घर में ठंडा जहाँ चीज़ होता होगा, वहाँ पे जिस तरह से गार्डन में होता है, वॉशरूम वगैरह में भी आ जाते हैं पाइप के ज़रिए। तो आप इसको स्प्रे करिए, या फिर डायरेक्टली आप डाल सकते हो, जहाँ पे कन खजूरा होगा वो भाग जाएगा। तो आपने देखा झटपट से ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आप गार्डन वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो इसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी इसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तभी ये अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, झटपट से ये बनकर जो तैयार हो गया है कन खजूरा। तो मेक श्योर आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच जाएगा।